हेलो दोस्तों, मैं प्रेषित गेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हुआ है। आज ये जानते हैं कैंडिडेट्स का कैसा एग्ज़ाम का लेवल। अगर बात करें अटेंडेंस की तो 120 सीट्स मतलब 60 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। आज ये जानते हैं कैंडिडेट्स का कैसा रहा एग्ज़ाम। कौन बता देना आपने अपने इलाहाबाद, चंडीगढ़, मुंबई जैसे मालदा है। मुंबई सर, मुंबई मुंबई सर मुंबई 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 जोन मुंबई सर। अच्छा, कितने अटैम्प्ट करें ये बता देना। यहाँ से 70, 75, 72 इस तरीके से 82 बहुत अच्छे। 72 सर 80 जी एस के कुछ क्वेश्चन याद है? जी एस के टॉपिक वाइज बोलिएगा तो जैसे DRDO, इसरो, बार्क मिशन, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट से आया हो क्वेश्चन? कोई याद नहीं भाई, आ जाओ 2 मिनट के लिए यार, रिव्यू दे दो यार 2 मिनट के लिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन WHO, WTO, IMF, भारत के प्रथम विदेश मंत्री पूछा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? अच्छा बात करते हो, DRDO, इसरो, बार्क मिशन, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ क्वेश्चन आया था? नहीं आया। कांग्रेस अधिवेशन से कोई? नहीं कोई नहीं, एक आया था UNDP की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब कब स्थापना हुआ था? अच्छा, UNDP की स्थापना कब हुई थी? अच्छा बात करते हो, गांधी आंदोलन पूछा गया था? कोई गांधी का आंदोलन? कोई लॉर्ड वायसराय पूछा गया था? कोई लड़ाई पूछी गई जैसे हल्दी घाटी का, बक्सर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इस तरह से कोई लड़ाई पूछी गई? नहीं पूछी गई। कोई इकोनॉमिक्स से कोई पूछा क्वेश्चन पूछा गया? बैंक, मुद्रा, GDP, फाइवर प्लान से कोई क्वेश्चन हो इकोनॉमिक्स से? नहीं तो कोई क्वेश्चन नहीं था इकोनॉमिक्स से। कोई डेज पूछे गए थे इंपॉर्टेंट डेज? कोई डेज नहीं पूछे गए। कोई बुक पूछी गई थी? नहीं ना। कोई इंडेक्स वगैरह पूछा गया हो? नहीं। कोई PM की योजना, नमामि गंगे, मिशन इंद्रधनुष, इस टाइप से? क्या क्रांतिकारी थे सर? किसी का नाम देकर मतलब येलो क्रांति या पीली क्रांति या ये और अच्छा क्रांति का जनक कौन था? रजत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है और रजत क्रांति किससे संबंधित है? बात करो तो कोई टेंपल पूछा गया था, स्टेडियम पूछा गया हो? कोई कोई डांस पूछा गया हो? कोई फेस्टिवल कौन सा नृत्य पूछा गया था सर? कुछ याद है हल्का फुल्का? शायद है, याद नहीं है, वो अजीब टाइप का नाम था। लेकिन एक नृत्य से आया है लेकिन पता नहीं है। अच्छा बात करता, कोई पेंटिंग पूछी गई थी? नहीं। कोई डांस पूछा गया हो? नहीं। फेस्टिवल भी नहीं पूछा गया? कोई जाति जनजाति भी नहीं पूछी गई? कोई कौन सी थी सर? जनजाति था। कितना है SC ST अनुच्छेद वाला? कौन सा पिछड़ा? वो जाति वाला नहीं बोल रहा। क्या क्वेश्चन था सर? राज्य के जाति वो अनुच्छेद से रिलेटेड जाति है। अच्छा अनुच्छेद से जो रिलेटेड है जाती वो पूछी गई थी? मतलब SC ST सब पिछड़ा वाला कौन सा अनुच्छेद में आता है? अच्छा SC ST जो जाति पिछड़ा वर्ग जो है जाती वो किस अनुच्छेद में आता है? आया था क्वेश्चन था सर? माओरी जनजाति। माओरी जनजाति कहाँ से संबंधित है? सेइंग जनजाति था करके, सेइंग जनजाति। अच्छा अच्छा बात करो, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था? कंप्यूटर से किस टाइप के क्वेश्चन थे सर? ISP फुल फॉर्म है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक और फुल फॉर्म था NSDL। NSDL की फुल फॉर्म पूछी गई थी? पैन कार्ड में रहता है। NSDL की फुल फॉर्म पूछी गई थी? अच्छा और कोई फुल फॉर्म नहीं पूछे गए? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए हैं? कोई और नहीं पूछे गए? पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था? पॉलिटिक्स से कोई किस टाइप का क्वेश्चन था सर? आर्टिकल से क्वेश्चन था, वही जो जाति का पूछा गया था। कोई संशोधन पूछा गया हो? 171A किस राज्य से संबंधित? 371A 371A किस राज्य से संबंधित है? कोई भाग पूछा गया हो? 370 ये लगता है। 371A में मतलब किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? 371A के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है? किला मुबारक कहाँ है? किला मुबारक कहाँ पे स्थित है? अच्छा बात करूँ तो कोई जोग्राफी से नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, कोई कौन सा नदी है जो रेतीली और पठार टाइप की? अच्छा रेतीली और पठार टाइप की है, कौन सी नदी है? कोई पर्वत पूछा गया हो? नेपाल और भारत के बीच में पूछा था कि कौन सी नदी सहायक नदी है। अच्छा भारत और नेपाल के बीच कौन सी सहायक नदी है? एक दर्रा से पूछा गया था। क्या सर? जो इंडिया, भारत और चीन के, चीन और भारत के बीच कोई दर्रा नहीं है पूछा गया? चीन और भारत के बीच जो है कौन सा दर्रा नहीं है ये पूछा गया था? अच्छा कोई मैदान या मानसून पूछा गया हो? नहीं। कोई पर्वत पूछा गया था? अरावली, इस तरीके से कोई पर्वत पूछा गया हो? नहीं। अच्छा करंट अफेयर में क्या कब की पूछ रहे हैं? करंट अफेयर नहीं पूछा गया कोई भी? 2011 कौन सा व्हीकल था जो 11 में लॉन्च हुआ और 16 में वहाँ पे पहुँचा? अच्छा कौन सा व्हीकल था जो 2011 में लॉन्च किया गया था और जो स्पेस में पहुँचा, 16 में पहुँचा? क्या था क्वेश्चन सर? एक क्वेश्चन था कि मेट्रोपॉलिटन कौन सा सिटी है जिसका नाम नहीं चेंज किया गया है? मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो जिसका नाम चेंज नहीं किया गया है। अच्छा कोई अवार्ड पूछा गया था? नहीं। अवार्ड नहीं पूछा गया? कोई स्पोर्ट्स क्वेश्चन था? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था? रनिंग में क्वेश्चन था कि क्या सर? रैकेट
और बॉल था और उसमें लगाना था तीन बैंड डायग्राम था। अच्छा बात करो, कोई नियुक्ति भी नहीं पूछी गई। अगर बात करो साइंस में बायो में कोई बीमारी विटामिन का नेम या फिर कोई ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन था, कोई एक रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन क्या था सर? चार तरह की बीमारी दिए गए हैं, उसमें लिखा था कि विभिन्न प्रकार के। इनमें से कौन सा एक वायरस वायरस से संबंबंधित था एक, और तीन अलग बीमारी था? अच्छा वायरस संबंधित कौन से? इन्फ्लुएंजा था और फिर ये पूछा, चार ऑप्शन दिए हुए थे और ये पूछा था कौन से वायरस से संबंधित नहीं है। नहीं, इनमें से कौन सा वायरस से नहीं है? वायरस जो वायरस से नहीं होती है। बात करो फिजिक्स में कोई ऐसा इवेंट न्यूमेरिकल या खोज करता पूछा गया हो कोई फिजिक्स में? एक भी नहीं पूछा। नहीं, नहीं। केमिस्ट्री में कोई रासायनिक नेम कोई प्रेडिक्टेबल पूछी गई हो? नहीं था साइंस के क्वेश्चन ना था। अच्छा तो मैं बात करूँ, जीएस में कोई एक क्वेश्चन था जो ये मुंडकोपनिषद जो था चलिया गया था सत्य में हो जाते वो, मतलब हाँ किस व्यक्ति ने मतलब कि लाया था इसको? अच्छा ये जो मुंडकोपनिषद जो है किस व्यक्ति ने दिलाया था जो सत्य में जाते लिया गया था? अच्छा बात करो मैथ में मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन थे सर, किस टाइप के क्वेश्चन थे सर? वो मतलब पूरा रिलेटेड उलझन टाइप का था, बहुत पूरा मात से था, उसका भरम वार्ता था, उसके बाद फिर मात निकालना था जो मात दे चुका था। अच्छा पहले मात दे वो दे थे सारने दी हुई थी, उसका माध्य निकालना था, लेकिन उसका क्या हुआ ना कि वो स्क्रीन पे पूरा ब्रह्म वार्ता टाइप के दिया हुआ था, उसके बाद माध निकालने के लिए बोल रहा था। और एक दूसरा क्वेश्चन था उसमें सब अलग अलग टाइप के दिया हुआ था, माध बहुलक और ये सब प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर का मान पूछ रहा था। वैसे अच्छा टाइप से मान पूछ रहे थे, इधर दे दिया था जाकर के एन एन के निकालना था, सत्रह तेरह सत्रह तेरह ग्यारह डॉट 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 के, वो तो के का मान पूछ रहा था, उसका मान पूछ रहा था समांतर श्रेणी में। अच्छा समांतर श्रेणी बात करूँ तो सी आई एस आई से कम क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्वेश्चन था? सी आई प्लस एस आई का अंतर दिया हुआ था और तीन वर्ष का अंतर का निकालना था, पी बराबर पूछ रहा था। अच्छा सी आई एस आई का जो है अंतर दिया हुआ था और जो मूलधन मूलधन पूछा था कितना है, और कोई क्वेश्चन आया एस आई से? बस एक क्वेश्चन था, रीजनिंग से क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से, वो थोड़ा क्रिटिकल था, दो था ब्लड रिलेशन से, दो था बहुत इजी था, लेकिन क्वेश्चन था सर कुछ याद है ब्लड इजी था एक क्रिटिकल था, वही रिलेशन दिया हुआ इसका बात हुआ। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, परसेंटेज से क्वेश्चन हां एक दो क्वेश्चन टाइप का, देखो डेटा हल्का फुल्का याद है, हल्का था सिंपल था सर। अच्छा जैसा मतलब मान धारक रखना है, मतलब पी पी का तीन बटा चार भाग क्यू का इतना बटा भाग बराबर इक्वल है, तो पी प्लस क्यू का मान कितना होगा? अच्छा बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप से था हल्का फुल्का? भारत के एकमात्र जो सबसे पहला अधिक प्रथम अधिकारी होता है वो कौन होता है? अच्छा अंकित प्रॉफिट अंकित मूल दिया हुआ था, क्रय मूल का अंतर अति दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, विक्रय मूल का बराबर मतलब मान दिया हुआ था, तो मतलब पूछ रहा था कि इसमें मतलब प्रॉफिट लॉस कितना होगा, प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है। अच्छा बात करते हैं एसटीएफ एलसीएम का क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप का क्वेश्चन था सर वो याद है कुछ? वो टाइम वाला था ये, मतलब ये गाड़ी इतना बजे 9:30 पर बचता है एक बार, उसके बाद टाइम दे रखा होगा 3 सेकंड दे रखे होंगे, और ये बताना दूसरी बार कब बजेगी, वो कब बजेगी? तीन एलसीएम दिए होंगे, वो एलसीएम करके निकाल के उसके बाद घंटा मिनट सेकंड में करना, 7.16 घंटे को कितना मिनट और कितना सेकंड में चेंज। अच्छा काफी लंबा क्वेश्चन था वो, था कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव जो था सिंपल एलसीएम सिंपल था लेकिन कैलकुलेटिव था सिंपल। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योमेट्री हां एक था ट्रिग्नोमेट्री था, उसमें मान धैर्य न था, जैसे में एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें समद्विबाहु दो था, एक 90° का मान दिया हुआ था, ए प्लस सी बराबर 45 45, तो उसका मान रख के सॉल्यूशन करेगा। एक और क्वेश्चन था, क्या था सर? ट्रिगो से रिलेटिव था कि एक जो वृत्त त्रिभुज है उसका भुजाओं का अनुपात 2 3 4 5 था, और उसका उस पे अंतर्वृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? अच्छा अनुपात पूछा गया था उसमें। बात करें तो कोई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे गए थे, डिस्टेंस एक क्वेश्चन था वो सिंपल था, मतलब सीढ़ी वाला था, मतलब मीनार की ऊंचाई दी हुई थी, पूछ रहा था मीनार की ऊंचाई क्या 30 से 45 हो जाता है, उसका दिया हुआ 30 45, वही पूछ रहा था। वो पूछ गया था सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन जैसा बोर्ड मास टाइप होता है, एक था सिंप्लीफिकेशन सिंपल था, 9 into 9 दो था सर, दो डिवाइडेड बाई 9 into 9 ब्रैकेट 1 into 9 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछे गए थे, सिस्टम तो यही सब क्वेश्चन आसान था लेकिन नहीं जैसे रिमाइंडर या डिविजिबल इस टाइप से, नहीं नहीं ये सब नहीं, स्लाइडिंग प्रॉब्लम था। अच्छा बात करो एक मिनट बात करो रीजनिंग में डैश कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन थे, सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट थी, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर या फिर लीनियर? ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एक आयु का दिया हुआ था, एक लंबाई का दिया हुआ था, पूछ रहा था कि इनमें सबसे पांच गो आदमी था उसमें से आयु का अलग था और लंबाई का अलग, पजल हो गई वो तो पजल दी थी, पजल पजल टाइप में पूछा हुआ था, पजल ये क्वेश्चन था, उसमें लंबाई किसका अधिक है और आयु किसका कम है ये पूछा हुआ था, पजल
तो बात करना था कोई कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग हाँ दो था क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन था? कैसे मतलब ए को सी लिखते हैं या सी को ई लिखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था? कैसा था? ए को प्लस लिखते हैं, बी को माइनस लिखते हैं, सी को गुना लिखते हैं और डी को तो सिंपलीफिकेशन में आ गया। मतलब रीजनिंग में पूछ रहा हूँ मैं, कोडिंग डिकोडिंग में जैसा इस टाइप से। हाँ जैसे मैं ए को मतलब सी लिखा जाता है तो डी को क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था क्या? किस टाइप का था? हल्का फुल्का डेटा याद है? दो संख्याओं 142 ऐसा ही कुछ, मतलब कौन पहले आएगा और कैलकुलेटर करके उसके बाद मतलब पहले एक आंसर आया था D325 आंसर आया था। हमका लेवल जैसा है कैंडिडेट ने बताया। अगर बात करें लेवल की, पेपर का लेवल जो जो मॉनिटर बता रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।